बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 4G Tech। तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बहुत कुछ सर्च करने के बाद ही ये वीडियो बनाई है आपके लिए। ये मसला आपको भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि कुछ ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन हैं जिनमें गूगल का कैमरा नहीं चलता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास गिम्बल भी नहीं होता और ट्रैवल की वीडियो उनको शूट करनी पड़ती है, तो मतलब उनकी जो वीडियो होती है वो बहुत हिलती है, बहुत वीडियो में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट होती है वीडियो। तो उसी को कम करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा। ऐप के बारे में तो आप जानते होंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो को ट्रैवल करने का तरीका बताऊँगा, किस तरह से आप अपनी वीडियो को स्मूथ और ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब बहुत ही उम्दा किस्म की तरह वीडियो बना सकते हैं, अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है, इस तरह से आपने चलते हैं, मतलब जैसे भी आपने शूट करनी है, आपने ट्रैवल की वीडियो बनानी है, मतलब जिस पे आपका कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, तो आपने वो वीडियो शूट कर लेनी है। शूट करने के बाद तो दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो को स्टेबल करना है, किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले अपने उस ऐप को ओपन कर लेना जिसका नाम है कैपकट। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आप एडिट करना चाहते हैं, जिस वीडियो को आप स्टेबल करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मतलब मैंने उसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मज़े की बात ये है कि इस ऐप में बहुत ज़्यादा फीचर जो ऐसे हैं वो फ्री में आपको मिलते हैं और बाकी कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको इंटरनेट डाटा यूज़ करके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और यहाँ पे वो स्टेबल वाला ऑप्शन भी बिल्कुल फ्री है। आपने सिंपली अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन ढूंढना है स्टेबलिंग का, मतलब स्टेबलाइज का ऑप्शन ढूंढना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबलाइज का ऑप्शन नीचे आपको मिल गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको जितना आप इसको मतलब स्टेबल करना चाहते हो उतना आप इसको स्टेबल कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल फुल कर देता हूं क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब हिल रही है, मतलब बहुत उसमें मतलब आ रहा है, वो वाइब्रेट हो रही है वीडियो। तो उसी को हम कम करते हैं, हम इसको मोस्ट स्टेबल पे रख के इसको ओके करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो स्टेबलाइज हो गई है, हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। इसके बाद मैं आपको ये वीडियो के एंड पे भी दिखा दूंगा पूरी वीडियो के किस तरह से ये वीडियो स्टेबल हुई है और किस तरह से मतलब रियल वाली वीडियो किस तरह से थी और जो मैंने स्टेबल की है वो वीडियो कैसे है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसा कि मतलब इनहेंस का मतलब इसका मतलब होता है कि ये ऑप्शन तो आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। इंटरनेट मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम इसको जो मतलब फेस की जो स्मूथिंग है, आप मेरे फेस पे देख सकते हैं बहुत सारा अच्छा नहीं आ रहा, तो ये भी मतलब उस पर इस ऐप में आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ठीक है मुझे। तो हम यहाँ फेस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको रीटच कर सकते हैं, मतलब इसको स्मूथ कर सकते हैं वीडियो को, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आप वीडियो को स्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी इस ऐप में बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, आपको इसमें इसके ऊपर मतलब वीडियो के ऊपर जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको मतलब इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर फ्रेम लगा सकते हैं, बहुत कुछ इसके ऊपर आप लगा सकते हैं फ्रेम। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई फ्रेम मतलब ये वाला फ्रेम हम वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये वाला फ्रेम लग गया, हम जो भी फ्रेम इसमें लगाना चाहें हम इसमें लगा सकते हैं। तो मतलब इसको इसके बाद आप यहाँ पे इसको 780p पे सॉरी 720p पे या 1080p पे रख के आप इसको अपने मोबाइल में मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जितनी वीडियो लंबी होगी उतना ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी टेक टिप्स और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।